जय हिंद दोस्तों, आप सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएन चैप में। और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टाटा वुमेन्स आईपीएल का दोस्तों नेक्स्ट मैच, जो कि दिल्ली वुमेन और गुजरात वुमेन के बीच दोस्तों ये मैच शाम 7:30 पे दोस्तों खेला जाएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इस मैच में हमारी टीम और उनकी टीम क्या होगी, प्लस में दोस्तों आपके लिए वीडियो में गिव अवे भी रहेगा। तो मेरे भाई देखो वीडियो में आप एंड तक बने रहना, लास्ट तक आप बने रहना, ठीक है। प्लस में दोस्तों देखो ये मैच गुजरात के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच होगी, क्योंकि दोस्तों कल का मुकाबला देखो आरसीबी जीत गई है। और दोस्तों अगर गुजरात को अगर अभी भी मतलब पॉइंट्स टेबल में जीवित रहना है तो दोस्तों इनको अपनी आने वाली 4-4 यानी कि देखो जितने भी मैचेस हैं देखो इनको जीतना पड़ेगा, वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छे मार्जिन से। तो दोस्तों ये मैच आपके लिए मतलब गुजरात के लिए दोस्तों एक डू और डाई का मैच है। तो दोस्तों ये जानते हैं कि इस मैच में हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन की ऑप्शन कौन कौन सी प्लेयर रहेंगी। प्लस दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का दोस्तों मेन चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मेरे भाई देखो यहाँ से जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दोस्तों फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको सारा का सारा प्लस में आपको गिव अवे का दोस्तों पेमेंट भी आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे भाई इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर सिंपली आप दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों देखो ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। और लगभग दोस्तों यहां पर आपको सभी स्पोर्ट्स की फाइनल टीम आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिलती है, किसी भी प्रकार का दोस्तों हम लोग आपसे कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस या फिर प्राइम के नाम पे कुछ भी हम लोग चार्ज नहीं लेते। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए दोस्तों मैं आपका ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पर मैच कराता हूँ। दोस्तों ये वुमेंस प्रीमियर लीग का गाइस मैच नंबर 14 रहेगा, जो कि 16 मार्च यानी कि आज के दिन शाम के 7:30 बजे ब्राबॉर्न स्टेडियम जो कि मुंबई में ये मैच वहाँ पर खेला जाने वाला है, ठीक है। पिच रिपोर्ट की बात कर लूँ तो भाई देखो ये भी पिच एक बिल्कुल फ्लैट रहेगी और दोस्तों यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा स्कोर बनता हुआ दिखने वाला है, यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर एक बार फिर से हाई स्कोरिंग आप देखो यहाँ पर एक्सपेक्ट करके आप देखो चल सकते हो। और अगर यहाँ पर दोस्तों बॉलिंग की बात करूँ तो मेरे भाई देखो यहाँ पर लिटिल बिट थोड़ा सा यहाँ पर पिच से देखो स्पिनर को देखो थोड़ा सा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अब लगभग बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं और दोस्तों देखो यहाँ पर आपको मैच में स्पिनर ही देखो एक दो विकेट निकाल के आपको दे सकती है, ठीक है। अगर रिकॉर्ड की बात करूँ तो अगर लास्ट 27 मैच की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 14 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने मैच को जीता है और दोस्तों यहाँ पर 13 बार सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है, ठीक है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहता है तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज रहता है, ठीक है। अगर एवरेज स्कोर की बात कर ले तो गाइस यहाँ पर आपको 180 का राउंड देखो आपको स्कोर बनता हुआ दिखने वाला है इस मैच में भी, ठीक है। दोनों टीमों की अगर प्लेइंग 11 की बात कर लो तो गाइस आई थिंक देखो मेरे हिसाब से कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, और अगर होता भी है तो गाइस टॉस के बाद आप सभी लोगों को पता चल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मेगलेनी के साथ शेफाली वर्मा एक बार फिर से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। आप दोस्तों यहाँ पर सभी प्लेयर्स का यहाँ पर रिसेंट फॉर्म, हेड टू हेड बैटिंग रिकॉर्ड, वेन्यू पे इनका क्या रिकॉर्ड रहा है, प्लस दोस्तों आप यहाँ पर ओवरऑल सभी डाटा यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। दोस्तों ये आपको खुद की टीम क्रिएट करने में दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये सारा डाटा, ठीक है। नंबर 3 पे एलिशा कैप्सी, आप यहाँ पर देखो इनका भी रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो, बैटिंग भी कर लेती है और दोस्तों देखो बॉलिंग भी बहुत ठीक ठाक कर लेती हैं। नंबर 4 पे दोस्तों जेमिमा रोड्रिगो जो कि आपको ये प्रॉपर बैटिंग करके देंगी। देन गाइस यहाँ पर एम कप जो कि बैटिंग के साथ दोस्तों ये भी बॉलिंग कर लेती है। जय जॉनसन जो कि दोस्तों आप इन्हें देखो ड्रॉप मत करना, क्योंकि दोस्तों ये देखो बैटिंग यार काफ़ी देखो ज़्यादा अटैकिंग खेलती है और दोस्तों बॉलिंग में भी आपको देखो कहीं ना कहीं पॉइंट भी आपको ला कर देगी, 5 मैच में टोटल 3 विकेट, ठीक है। प्लेयर देखो बहुत खास है, तानिया भाटिया विकेट कीपरिंग करती है। दोस्तों देखो इनकी ज़्यादा बैटिंग आती नहीं है, रीज़न क्या है दोस्तों कि इनका जो बैटिंग ऑर्डर है काफ़ी नीचे है, तो दोस्तों आप चाहो तो इन्हें अपनी रिस्क पे आप ट्राई करना। बाकी दोस्तों देखो दोनों ही टीमों के विकेट कीपर सेम ही है, ठीक है। इनके अलावा दोस्तों ए रेडी अभी तक इन्होंने विकेट नहीं लिया है। राधा यादव अगर दिल्ली कैपिटल्स सेकंड बॉलिंग करती है, देखो यहाँ पर आपको सिंपल काम करना है, देखो दिल्ली कैपिटल्स अगर सेकंड बॉलिंग करती है फिर आप राधा यादव को टीम में लेना, जिनका देखो सिलेक्शन काफ़ी कम रहेगा बट देखो आपके लिए एक ट्रम्प सिलेक्शन रहेगी। और अगर दिल्ली कैपिटल्स फर्स्ट बॉलिंग करती है तो फिर देखो आप शिखा पांडे को चलने देना, मतलब ले लेना, ठीक है। देन गाइस यहाँ पे तारण और इस 5 मैच में 7 विकेट, दोस्तों एक बहुत ही विकेट अच्छी बॉलर है, विकेट टेकर ऑप्शन आपके लिए हमेशा से ओपन रहता है। तो दोस्तों ये रहेगी आपकी दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11। यहाँ पर अगर बात कर लूँ गुजरात जायंट्स वुमेन की, तो गाइस यहाँ पर सोफिया डंगली के साथ दोस्तों आपको इस मेघाना देखो ओपनिंग करते हुए दिखने वाली है। आप दोस्तों यहाँ पर सभी प्लेयर्स का रिसेंट फॉर्म आप चेक कर सकते हो। नंबर 3 पे हरलीन दुहिल, नंबर 4 पे दोस्तों अनाबेल सदरलैंड जो कि दोस्तों कभी कभी ये नीचे भी बैटिंग करने आ जाती हैं। देन गाइस यहाँ पे एसले गार्डनर 5 मैच में 50 रन, प्लस में 7 विकेट और लास्ट मैच में भी दोस्तों देखो इन्होंने 3 विकेट निकाला था, बहुत ही बढ़िया विकेट। देन गाइस यहाँ पे डी हिमलता 5 मैच में
77 रन। दोस्तों देखो ये आपको एक प्रॉपर केवल आपको बैटिंग ही करके देगी, देखो ये बॉलिंग ज़्यादा नहीं करती है, मतलब करती ही नहीं है, ठीक है। देन गाइस यहां पे स्नेह रहना टीम के कैप्टन प्लस में दोस्तों स्पिनर बॉलर। और दोस्तों देखो जैसा कि मैंने आपको राधा यादव के साथ कहा था, देखो सेम यहाँ पर वही ऑप्शन देखो यहाँ पर आपके लिए स्नेह राणा के लिए भी ओपन है, ठीक है। अगर यहाँ पर गुजरात पहले बॉलिंग करती है फिर तो इनको मत लेना, अगर सेकंड बॉलिंग करती है तो फिर देखो आपके लिए एक बढ़िया खासा ऑप्शन रहेगी, ठीक है। देन गाइस यहाँ पे सुषमा वर्मा टीम के विकेट कीपर बैट्समैन, देखो इनकी ज़्यादा बैटिंग आती नहीं है, बट देखो आपको आप इन्हें स्मॉलिंग में आप देखो ले सकते हो। यहाँ पर तानिया भाटिया से देखो आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगी। देन गाइस यहाँ पे किमग्रा जो कि दोस्तों वैसे ही पेसर्स हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करती है, चार मैच में दोस्तों देखो इन्होंने अभी तक टोटल 6 विकेट निकाली है, ठीक है। देन गाइस यहाँ पे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर तनुजा कनवर 5 मैच में टोटल 2 विकेट, और फिर गाइस यहाँ पर मानसी जोशी 4 मैच में 2 विकेट। तो दोस्तों ये रहेगी आपकी दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे लिए ड्रीम 11 की टीम में दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के दोस्तों ऑप्शन कौन कौन सी है। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ सेफ ऑप्शन। दोस्तों सेफ ऑप्शन आपके लिए स्मॉल लीग टीम लाइक अगर आप हेड टू हेड 3 मेंबर या 4 मेंबर तक के लिए खेल दो फिर दोस्तों आपके लिए स्मॉल लीग का ऑप्शन ओपन रहेगा। दोस्तों स्मॉल लीग में आपको एसले गर्नर, मेग लेनिंग और एम कप जैसी प्लेयर रहेंगे जो जिनको आप अपनी स्मॉल लीग की टीम में दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर बात कर लो रिस्की ऑप्शन की तो गाइज यहाँ पर मानसी जोशी, हरलिन ज्वेल, शिखा पांडे और देखो थोड़ा सा आप यहाँ पर एलिसा कैप्सी को भी देखो आप यहाँ पर रिस्की ऑप्शन में ऐड कर सकते हो। दोस्तों ये रिस्की ऑप्शन आपके लिए जीएल की टीम में और मिनी जेल जैसे देखो टीमों में आपके लिए ट्राई करना है, आप अपने रिस्क पे आप चाहो तो इन्हें भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। देन गाइज अगर यहाँ पर मैं अपनी टीम की बात कर लूँ तो गाइज देखो ये अभी के लिए जो आपको टीम दिख रही है दोस्तों ये प्री फाइनल टीम है, और दोस्तों आप चाहो तो सेम टीम के साथ दोस्तों आप अभी से ही दोस्तों आप कॉन्टेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों फाइनल टीम तो आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे भाई देखो ज्वाइन कर लेना, और क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको देखो सब चीज़ की टीम आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है, ठीक है। प्लस में दोस्तों देखो यहाँ पर फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कमेंट करने वाले को दोस्तों देखो टॉप 3 यहाँ पर आपको गिवे का प्राइस दिया जाएगा। तो मेरे भाई देखो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, प्लस में दोस्तों देखो कमेंट देखो प्यारा सा कमेंट आप देखो श्योर करके जाना मेरे भाई, ठीक है। अगर टीम की बात कर लूँ तो गाइस यहाँ पर मेरी कैप्टन एम कप और देखो यहाँ पर वीसी मेरी एसले गार्डनर रहेंगे। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है तो आप दोस्तों यहाँ पर रिवर्स भी करके चल सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लिया है, मैंने दोस्तों अभी के लिए अनाबेल सदरलैंड को लिया है। अगर आपको अपनी टीम में सेफ जाना है तो आप यहाँ पर इनके प्लेस पे दोस्तों कीम ग्राथ को आप देखो ले सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों ये आपकी कॉल रहेगी कि दोस्तों आप किसके साथ कैप्टन वाइस कैप्टन आप जाओ। अगर आपको और भी ऑप्शन चाहिए तो गाइज यहाँ पर आपके लिए मिग लेनिंग, एलिसा कैप्सी और गाइज यहाँ पर आपको लिटिल बिट दोस्तों देखो शेफाली वर्मा थोड़ा सा ये भी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। बाकी अगर आपको हटके जाना है दोस्तों ये दोनों ऑप्शन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, चाहो तो इनके साथ भी आप देखो जा सकते हो, ठीक है। दोस्तों बाकी आई होप यार वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो मेरे भाई देखो वीडियो को बीच में तो देखो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि देखो जो भी मैं आपको बातें मैंने बताई है दोस्तों वो देखो वीडियो के बीच में ही मैंने बताई है, ठीक है। बाकी दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई देखो चैनल को यार देखो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि दोस्तों आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके, ठीक है। दोस्तों बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सभी भाइयों को हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक।